मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड के नसीन पहाड़ में। पहाड़ के सुहाने मौसम के बीच अभी है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और मौसम कुछ इस प्रकार है। तो उधर साइड तो सफ़ेद कोहरा लगा हुआ है और शाम को बारिश आई थी, तो पूरा मौसम इस प्रकार है। और कल है हमारे यहाँ अठवार, तो अभी शाम को जाएंगे हम कौथिक देखने, उसके बाद कल भी जाएंगे। देखते शाम को जाते कि नहीं जाते, लेकिन फिलहाल तो अभी खाना बन रहा है और आज घर में बननी है घर की सब्ज़ी, बोले तो जो कद्दू के पत्ते होते हैं उनकी सब्ज़ी। तो देख आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं। अभी मम्मी ने कद्दू के पत्ते ला रखे हैं और उनको अभी काट रहे हैं, छाँट रहे, पता नहीं क्या करें, लेकिन दिखाते हैं आपको आगे। ये रहे कद्दू के पत्ते, ये मूली के पत्ते हैं ऐसे, और ये रहे कद्दू के पत्ते, ये रहे कद्दू के पत्ते, और आज इनकी सब्जी बनाई जाएगी। क्या छाने बीच के पीछे बेन के जन के धोबन निकाल और बना रहे हमारे माता जी। और साथ में अभी ये घर के टमाटर और प्याज भी शायद घर ही का ही, बाजारों की ये घर मोगा है तो सो बाजार अलग रंग के। अभी इनको काटेंगे, चूल्हे में रख दे कढ़ाई और आग के उनके ये लक्षण हैं। साथ में चूल्हे में दो तीन लकड़ियाँ डाल के, और बनाने वाले कुक ये रहे और काम करने वाले ये रहे जिन्होंने काटा, और ये काट के इसके पास दिया। और अब ये बनाएगी सिंगड़ियाँ पिंगड़ियाँ वाली। डाल दिया तेल, ये घर का नहीं है बाजार का, ये सरसों वाला तेल जिसका कनस्तर मैंने आपको परसों दिखाया था, उसी कनस्तर का तेल है ये। बहु एगो पूरी तलनी तू। अब डाला जा रहा है जीरा, जीरे जी भैया आग। ये चला गया प्याज, और अभी प्याज डाल दो। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उन्होंने कुक चेंज कर लिया। इनके हाथों में स्वाद है बल और इनके हाथों में स्वाद नहीं, तो इनके बस की नहीं है, इनका सिर्फ मुंह है बोलने के लिए और खाने के लिए, बाकी काम करेंगे ये। और अभी प्याज को भून रहे, उसके बाद घर के टमाटर डालेंगे जो देसी टमाटर होते हैं उनको डालेंगे, और उसके बाद डालेंगे हमारे कद्दू के पत्ते और साथ में मूली के पत्ते जो साथ में काट रखे उन्होंने। अभी इनको फ्राई होने देते, अब गए टमाटर। तो इनकी सांस अच्छी है इसलिए आग अच्छी जली, और इनकी सांस बेकार है, बोले तो इनकी सांस बेकार है इसलिए आग नहीं जली। अब डाले उन्हें मसाला, तो ये गया पहले नमक, ये भी बाजारी का नमक है, घर का नमक नहीं है, ये बाजार का नमक है, आयोडीन युक्त नमक, और इसे भी फ्राई किया। उसके बाद जाएंगे शायद मसाले, मर्च नहीं लिखाया ना ओके, हरिया मर्च। अब जाएंगे मिक्स मसाले जिसमें हल्दी मिर्ची जीरा धनिया पता नहीं क्या क्या मिला रहता, वो डाला उन्होंने, और इसे भी करेंगे अच्छे ढंग से फ्राई, बोले तो एक साथ रवाएंगे उसको। कुछ इस प्रकार बन गया इन दोनों का मिक्सर, और अब बारी है इसमें हमारे कद्दू के पत्ते जाने की। ये गए कद्दू और मूली के पत्ते, तो आज खाएंगे हम तुमड़े के पत्तों की भुजी।
पानी बना नहीं मा सब्जी बनाने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन अभी वो हरी मिर्ची लेना नीचे, तो हरी मिर्ची लेना मैं जा रहा हूँ। बाड़े में इतना बड़ा बाड़ा पाल रखा है हमने हरी मिर्ची के लिए, तो पहले हम हरी मिर्ची लाएंगे, उसके बाद उसमें काटेंगे। ये रही हरी मिर्ची, तो मेरा रोज़ का काम यहीं पे है। पापा भी यहीं से निकालते, मैं भी यहीं से निकालता, जब भी कुछ काम पड़ जाए तो यहीं से मिर्ची निकालता। तो हम निकालेंगे 4 मिर्चियाँ, इतनी मिर्ची काफ़ी है। तो ये काट रहे हो हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची ऐसे काट रहे हो लंबे में, ये इसमें पानी तो तुमने माँ आप है ना भाई पानी, तो इसमें पानी नहीं डाला, खुद ब खुद पानी आ गया। तो अब इस इंतजार करेंगे इस पानी के सूखने का। शायद मैं भी पहली बार देख रहा कि कैसे बनता है ये, इससे पहले सिर्फ खाया है, देखा नहीं है बनने बनता हुआ नहीं देखा। ये रही हमारे कद्दू के पत्तों की सब्जी, और ये दिया जा रहा है ताऊ जी को। ताऊ जी आप खा के बताएंगे कैसी बनी है कद्दू के पत्तों की सब्जी। बखोड़ा मामला बस तुम्हें यो सच बोल सकन, बाकी सब झूठी तारीफ कर। हो ठीक बड़ी ना बस। तो कद्दू के सब्जी के पत्ते माने कद्दू के पत्ते की सब्जी जो बनती है काफ़ी अच्छी बनती है, और अभी ताऊ जी को दे दिया। इधर रखे थे हमने चाय, तो चाय बनाएंगे हम, उसके बाद हम भी खाना खा कर चले जाएंगे घाट को, क्योंकि अभी घाट में मैंने नाच लगा रखा है गेहूँ, और लगा के मैं आ गया घर।